ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तुला राशि वालों, हो जाओ तैयार, क्योंकि अब भगवान शनिदेव ने दे दिए हैं संकेत। अब आपको भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से 6 अगस्त से 12 अगस्त यानी कि इन 7 दिनों में 5 शुभ समाचार और बड़ा सरप्राइज मिलेगा। या दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके लिए 6 अगस्त से 12 अगस्त यानी कि 7 दिनों का समय बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। या दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से इन 7 दिनों में आपको अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी खुशखबरियां, बड़े बड़े लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। या दोस्तों, भी बड़ी खुशखबरियां कौन कौन सी हैं, इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें और अंत तक इस वीडियो को आप पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें, कमेंट्स बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें, जिससे भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके लिए 6 अगस्त से 12 अगस्त यानी कि 7 दिनों का यह महत्वपूर्ण समय। दोस्तों, यह समय किसी समारोह या धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रण प्राप्त हो सकता है। संतान संबंधी भी कोई समस्या हल करने में आप सक्षम रहेंगे। स्थितियां धनदायक चल रही हैं, उनका सदुपयोग करना आपकी क्षमताओं पर निर्भर करता है कि आप उनका कैसे सदुपयोग करें। दोस्तों, यह समय आपका दिल की बजाय दिमाग से निर्णय लेना आपकी कई योजनाओं को कार्य रूप में परिणित कर सकता है। तमाम व्यवस्था के बावजूद आप अपने और अपने परिवार के लिए समय निकाल लेंगे। अपनी कार्य क्षमता पर आप पूर्ण विश्वास रखें। दोस्तों, साथ ही साथ इस समय कुछ पुराने दोस्तों से मिलने से कुछ पुरानी यादें ताजा होंगी, जिससे आपके मन को काफी खुशी मिलेगी। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फैसला अब आपके पक्ष में होने वाला है, इसलिए पहले से ही उस पर पूरा काम कर रखें। जिस काम को करने के लिए आप पिछले कुछ समय से काफी सोच विचार कर रहे थे, तो अब उसके पूरा करने का समय आ गया है। समझ बूझ और विवेक से कार्य करने से हर बाजी आपके अब पक्ष पर रहेगी, तथा भारी संपर्कों से भी आपको अब अधिक फायदा मिलेगा। दोस्तों, इस समय अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, इस पर आप गंभीरता से काम लें। दोस्तों, यह समय आप घर और व्यवसाय संबंधी सभी जिम्मेदारियों को बड़ी संजीदगी और गंभीरता से निभाएंगे, जिससे आपको काफी खुशी का अनुभव होगा। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय दूसरों की बातों में आने की अपेक्षा अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें, अन्यथा किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है। किसी पड़ोसी के साथ छोटी सी बात को लेकर मामला थाने तक भी बन सकता है, इसलिए अपने क्रोध पर आप नियंत्रण रखें। या दोस्तों, बोलते समय शब्दों का उचित प्रयोग करें, आपके नकारात्मक शब्द बच्चों में हीन भावना उत्पन्न कर सकते हैं, इसका नकारात्मक प्रभाव उनकी पढ़ाई पर भी पड़ सकता है, सावधान रहें। साथ ही साथ यह समय बाहरी गतिविधियों तथा अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें, अधिकतर समय अपने घर पर ही आप व्यतीत करें, क्योंकि किसी प्रकार का वाद विवाद होने की भी आशंका लग रही है। संतान से संबंधी कोई चिंता आपको रह सकती है। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय कोई भी निर्णय इमोशनल होकर आप ना लें, बच्चों के किसी कार्य से आपको चिंता रह सकती है, धन संबंधी भी नुकसान की भी संभावना है। अगर घर में सुधार संबंधी कोई योजना आप बना रहे हैं तो वास्तु के नियमों का पालन करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। किसी नजदीकी रिश्तेदार की वजह से घर में मनमुटाव होने की भी इस समय संभावना है, इसका असर घर परिवार पर भी पड़ सकता है, परंतु घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह व हस्तक्षेप से
समस्याएं सुलझ जाएंगी। कटु वाणी का आप प्रयोग भी करने से बचें। या दोस्तों यह समय अचानक से कोई नकारात्मक बात भी हो सकती है जिसकी वजह से धन हानि भी संभव है। आर्थिक स्थितियां डगमगा सकती हैं। अपने क्रोध व उत्तेजना पर काबू बनाकर रखें तथा धैर्य और संयम से काम लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों बात अगर आपके लव लाइफ के नजरिए से करें तो यह समय व्यस्तता की वजह से परिवार में आप समय नहीं दे पाएंगे, परंतु परिवार के लोग आपकी स्थिति को समझेंगे और सहयोग भी करेंगे। घर के किसी मुद्दे को लेकर पति पत्नी में कोई छोटी नोक झोंक भी रह सकती है, परंतु इसका नकारात्मक असर घर के वातावरण पर नहीं पड़ेगा। व्यस्तता के बावजूद कुछ समय घर परिवार के लिए भी आप अवश्य निकालें। सबके साथ मनोरंजन संबंधी योजनाएं भी बनाएं। दोस्तों यह समय बड़े बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव और देखभाल आपके पारिवारिक जीवन में सौभाग्य लाएगा। प्रेम प्रसंगों में भी प्रगढ़ता आएगी। दोस्तों बात अगर आपके व्यवसाय कैरियर की करें तो व्यवसायिक क्षेत्र में सारे निर्णय आप स्वयं ही लें। किसी का हस्तक्षेप आप ना होने दें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपना टारगेट पूरा होने से उच्च अधिकारियों का प्रोत्साहन प्राप्त होगा, जिससे इनको काफी खुशी का अनुभव होगा। दोस्तों साथ ही साथ यह समय शेयर तथा सट्टा जैसे कार्यों से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति और सावधानी से कार्य करें। इस समय रुपए पैसे के मामलों में किसी पर भी भरोसा या विश्वास करना ठीक नहीं है। ध्यान रखें, कोई व्यवसायिक सूचना इस समय लीक हो सकती है, सावधान रहें। दोस्तों साथ ही साथ वर्तमान समय में चल रहे व्यवसायिक कार्यों के साथ साथ कुछ नए काम पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि इस समय परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, इसका आप अवश्य ही लाभ उठाएं। दोस्तों व्यवसायिक कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। पुश्तैनी व्यवसाय में अधिक लाभदायक परिस्थितियां बन रही हैं। समय का आप भरपूर फायदा उठाएं। अचानक से ही कोई बड़ा काम बन सकता है जिससे आपको काफी खुशी होगी। दोस्तों साथ ही साथ आपको पहले भी आगाह किया गया है कि व्यवसायिक गतिविधियों में वर्तमान स्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। जल्द ही लाभ के मार्ग प्रस्तुत होंगे। अचानक ही कोई बड़ा कार्य बनने से मन को काफी प्रसन्नता रहेगी। दोस्तों साथ ही साथ नौकरी पेशा वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। या दोस्तों नौकरी से संबंधित कोई अच्छी बड़ी खुशखबरी इनको इस समय अवश्य ही प्राप्त होगी, जिससे इनका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो यह समय किसी पुरानी बीमारी से संबंधित रिपोर्ट ठीक आएगी। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। किसी भी प्रकार की चिंता आप ना करें, परंतु वर्तमान नकारात्मक वातावरण से अपना बचाव करना आपके लिए अति आवश्यक है। दोस्तों साथ ही साथ किसी प्रकार की चोट आदि लगने की भी संभावना है। वाहन आप बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाएं तथा नशे आदि के सेवन से भी परहेज करें। दोस्तों साथ ही साथ टांगों व घुटनों में दर्द जैसी समस्या रह सकती है। वायु बादी वाली चीजों का सेवन आप ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।